In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Bachchana Ae Haseeno. Dosto, movie Bachchana Ae Haseeno, jo release hui thi 15 August 2008 ko Independence Day ke mauke par, ye ek Bollywood romantic drama movie hai jisko 5 mein se 3 star ki rating di gayi thi. Iske director hai Siddharth Anand, iske producer aur writer hai Aditya Chopra. Baat karte hain cast ki. Isme Ranbir Kapoor, Bipasha Basu, Deepika पादुकोण, मिनीषा लांबा, कुणाल कपूर और पुनीति सर, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारे कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी. ये रणबीर कपूर के फिल्मी करियर की सेकंड फिल्म है. पहली फिल्म थी, यानी जो डेब्यूट फिल्म थी, वो थी सावरिया. सावरिया जो आई थी साल 2007 में, लेकिन उस फिल्म को बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. ये फिल्म क्लैश हुई थी सलमान खान के फिल्म गॉड तुसी ग्रेट हो मूवी के साथ. खैर, बात करते हैं फिल्म की बेसिक स्टोरी की. स्टोरी में क्या होता है, रणबीर कपूर जो हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उन्हें गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, बाद में उन्हें छोड़ देते हैं. अब ऐसा करते करते एक बार तीन लड़कियां जो होती है बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और मिनीषा लांबा, तीनों को अलग अलग टाइम पे रणबीर कपूर के साथ प्यार हो जाता है. और तीनों का मकसद होता है, तीनों रणबीर कपूर को एहसास करवाना चाहती है कि जो प्यार और जो जिंदगी होती है उसका जो असली मकसद होता है वो क्या होता है. यानी कि तीनों रणबीर कपूर को एहसास करवाना चाहती है कि उनकी लाइफ में प्यार और जिंदगी, इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस क्या होती है. खैर, बात करते हैं कलेक्शंस की. फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 36 करोड़ 19 लाख रुपए का, 36 करोड़ 19 लाख रुपीज का. इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 49 करोड़ 76 लाख रुपीज का. इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 11 करोड़ 81 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, 11 करोड़ 81 लाख की. और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 61 करोड़ 57 लाख रुपीज का. इसका बजट था 23 करोड़ का. अब 23 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 36 करोड़ 19 लाख का, और इंडिया से बाहर ओवरसीज का 11 करोड़ 81 लाख रुपीस का. अगर हम दोनों को इंक्लूड करके वर्डिट की बात करें, यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म बचना ए हसीनो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. यानी कि फिल्म की ऑफिशियल वर्डिट है हिट की. और इसी कलेक्शन के साथ ये साल 2008 की बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई थी. गानों की बात की जाए, फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 7 गाने थे. गानों को कंपोज किया था विशाल और शेखर की जोड़ी ने, और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे अनविता दत्त ने. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.